आज कक्षा छः के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी कक्षा छः पूर्णांक 100 समय 2.5 घंटे और प्लेन विदाउट कोड का, लेकिन यह सेट नंबर 3 होगा, तीसरा पेपर है। पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। यदि आपको कई सेट में पेपर चाहिए, तीसरा जैसे चौथा, चार पेपर अंग्रेजी का 3 हो गया, चौथा भी चाहिए, पाँचवा भी चाहिए, छठवा भी चाहिए, तो सबसे पहले आपको अधिक से अधिक शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। ऑल इंडिया में आसपास के बच्चे जो दूसरे विद्यालय में पढ़ते हैं उनको बताइए कि श्री गणेश अकेडमी एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जहाँ संपूर्ण कम से कम 10-10 पेपर दिए जाते हैं, एक एक विषय के संपूर्ण हल दिया जाता है। कोई ना कोई पेपर जरूर मैच करता है, आएगा आपके विद्यालय मैच करेगा और वह आपका संयोग होगा कौन सा पेपर मैच कर रहा है, क्योंकि मैं भी खरीद के लाता हूँ, आपके सर जी भी खरीद के लाते हैं पेपर, तो अगर वही दुकान वही जिला सब कुछ है तो मैच कर जाएगा निश्चित रूप से। तो मैच करने के लिए सब पेपर देखेंगे। बहुत से दुकानदार पुराना पेपर बेच ले रहे हैं, पिछले साल का जो मैंने अर्धवार्षिक पेपर डाला है उसको भी पूरा देख लेना, वहाँ मैंने कम से कम 7-8 सेट डाला है, 10 सेट सबको देख लेना एक प्रकार से, मतलब हिंदी का 6-7 सेट आपको मिल जाएगा, अर्धवार्षिक पिछले साल का, तीसरा ए है, अभी और डालेंगे तो इस तरह 10 पेपर हो गया, आपकी पूरी पढ़ाई 6 महीने कंप्लीट हो जाएगी। नकल भी नहीं करना है, टॉप करना है, शेयर करना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़कर हिंदी में अर्थ लिखिए, इसका अर्थ लिखना है। ए वाशरमैन हैड अ डंकी एंड डॉग। ए वाशरमैन मैंने एक धोबी के पास, हैड मैंने पास, एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू रिवर टू वॉश क्लोथ्स। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ही यूज टू गो वह जाया करता था, टू द रिवर नदी को, टू वॉश द क्लोथ्स कपड़ों को धोने के लिए, वह प्रत्येक सुबह कपड़ों को धोने के लिए नदी को जाया करता था। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ। द डंकी गधा यूज टू कैरी ले जाया करता था द लोड ऑफ क्लोथ कपड़ों का बोझ। गधा कपड़ों के बोझ को ले जाया करता था, समझ रहे हैं? दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो। नंबर 1, हु डिड द मैजिशियन कॉल टू द स्टेज, मतलब मैजिशियन जादूगर ने स्टेज पर किसको बुलाया। दूसरा, व्हाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, वुड कटर चिल्लाने क्यों लगा। तीसरा, हु केम देयर द नेक्स्ट डे, अगले दिन वहाँ कौन आए। व्हाट डिड द वाशरमैन टेल द डंकी, मतलब धोबी ने गधे को क्या बताया। चारों है, अब इसका उत्तर देख लीजिए, देख रहे ना, यहाँ जहाँ मैं हाथ रखा हूँ ये है, हु डिड द मैजिशियन कॉल टू द स्टेज, यही आया है ना, हु डिड द मैजिशियन कॉल द स्टेज, तो इसका आंसर द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मा टू द स्टेज, मतलब मैं जादूगर ने करिश्मा को स्टेज पर बुलाया था। अगला क्वेश्चन यही आया हुआ है, व्हाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, मतलब लकड़हारा चिल्लाने क्यों लगा। देख रहे हैं ना, दूसरा क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, व्हाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, मतलब लकड़हारा क्यों चिल्लाने लगा, इसका आंसर देख लीजिए। द वुड कटर वाज वरीड टू थिंक, मतलब लकड़हारा यह सोचकर चिंतित था, हाउ ही कुड अर्न, वुड अर्न वह कैसे कमाएगा, फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के लिए, सो ही स्टार्टेड क्राइंग, इसलिए वह चिल्लाने लगा। तीसरा का उत्तर अपने किताब से लिखेंगे, कह रहा है हु केम देयर द नेक्स्ट डे, इसका लिखेंगे द नेक्स्ट डे टू वुड कटर केम देयर, मतलब अगले दिन 2 लकड़हारे वहाँ आए, ठीक है ना। अगर ये प्रश्न इस तरह पूछा गया होता, हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर कौन आया, तो द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से पानी की देवी बाहर आई थी, तो इसका आप लिखेंगे, किताब हमारे पास नहीं है। व्हाट डिड द वाशरमैन टेल द डंकी, धोबी ने गधे को क्या बताया, देख रहे हैं इसका आंसर देखते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वाशरमैन टेल द डंकी, धोबी ने गधे को क्या बताया, देख रहे हैं ना, ए इसका आंसर पहले प्रश्न देख लीजिए एक बार, पहले क्या आया है आपको मिस ना हो। व्हाट डिड द वाशरमैन टेल द डंकी, मतलब धोबी ने गधे को क्या बताया, उत्तर देखिए इसका हिंदी में पढ़िए।
देख रहे हैं व्हाट इज द वॉशरमैन, द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी, धोबी ने गधे को बताया दैट कि ही वाज मच बिगर, वह बहुत बड़ा है, सो ही कुड नॉट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे, इसलिए उसे घर में ठहरने के लिए अंदर नहीं ले जा सकता। अगला ही आल्सो सेड, उसने भी कहा दैट द डंकी वाज टू हैवी टू बी लिफ्ट, मतलब गधा इतना वजनदार है कि आपको उठाया नहीं जा सकता। बट ही लव्ड, लेकिन वह प्यार करता है, द डंकी एंड द डॉग अलाइक, समान रूप से गधे और कुत्ते दोनों से समान रूप से प्यार करता है। देख रहे ना इसका आंसर हुआ। अगला है अपनी पाठ पुस्तक से रेनबो किसी कविता की चार लाइन, आपका पेपर चाहे जो आएगा कविता जरूर लिखने के लिए आएगा मित्र, इसको याद करके लिख लीजिए, जरूर याद कर लेना कविता, अभी बहुत समय है, ठीक है, ये मॉडल पेपर है, समझ रहे हैं, अगर पूरा पूरा मिल गया मैच कर गया तो समझ लीजिए आप सौभाग्य है, मैच कर गया, बाकी जितना पेपर डाले हैं इसको सब अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका 6 महीना कोर्स कंप्लीट, और मैच तो करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ, तो आप निश्चित 70% 80% 90%। नाउन की परिभाषा पहले डालेंगे नाउन, फिर लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स एज राम आगरा श्याम इटीसी, देख रहे ना। वर्तनी पूरा करिए, यहाँ पर ओ डैश था तो मैंने सी भरा, यहाँ ई है ए है, ओशियन ओशियन माने होता है समुद्र, ए है डीमन डी ई एम ओ एन डीमन माने राक्षस, ए है लोड एल ओ ए डी लोड लोड माने वजन। निम्न में किसी एक पाठ 8 पंक्तियाँ अंग्रेजी में लिखिए, चाहे काऊ पे चाहे डाक पर, निबंध है, और निम्न से अंग्रेजी में को लिखिए, तो पहले काऊ का निबंध देख लीजिए खूब अच्छी तरह से, काऊ का निबंध ऊपर है उसके बाद डाक का है, पहले काऊ का निबंध आप देख रहे हैं, इसी तरह आप लिखेंगे 6 लाइन, ठीक है, हिंदी में अनुवाद भी इसका दे दिया गया है, चाहे डाक पे लिखेंगे तो इस तरह देख रहे हैं लिख देंगे 10 लाइन, ठीक, पढ़ेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला है निम्न, देख रहे हैं निम्न शब्दों की अंग्रेजी लिखिए, स्कूल की अंग्रेजी स्कूल या सी एच डबल ओ एल, भिंडी की अंग्रेजी लेडी फिंगर एल ए डी वाई फिंगर या फाई एन जी ई आर लेडी फिंगर, हाथी की अंग्रेजी एलिफेंट ई एल ई पी एच ए एन टी, चौथा है विद्यार्थी, विद्यार्थी को स्टूडेंट कहते हैं एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट। आगे देखते हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे स्किप नहीं करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना अधिक पेपर मिलेगा, बिल्कुल पढ़ाई के लिए भी जुड़ जाइए हमारे चैनल से, आपके कमेंट के अनुसार ही पढ़ाया जाएगा, जैसा आप जो डिमांड करेंगे वो पढ़ाया जाएगा, पहले एक बार जुड़िए, निश्चित रूप से 100% आप लाइक करेंगे पढ़ने के लिए। निम्न वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो, तो आप डालेंगे ट्रांसलेशन इन इंग्लिश अंग्रेजी में अनुवाद, मेरी गाय सफ़ेद है माई काऊ इज वाइट, पहला अनुवाद माई काऊ इज वाइट, दूसरा वह कुर्सियाँ नहीं हैं दोज आर नॉट चेयर्स, वह कुर्सियाँ नहीं हैं दोज आर नॉट चेयर्स, मैं एक खिलाड़ी हूँ आई एम ए प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर लिखा गया है आई एम ए प्लेयर, हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं वी रीड इन क्लास 6, वी रीड इन क्लास 6, वह एक लड़की है, क्या वह एक लड़की है, इज दैट ए गर्ल इंट्रोगेटिव चिन्ह, इज दैट ए गर्ल, क्या वह एक लड़की है। बीमारी के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखिए, देख रहे ना, तो इसका देख लीजिए बीमारी के लिए कैसे लिखेंगे, बिल्कुल एक भी छोड़ना नहीं है इसके लिए, देख रहे ना एप्लीकेशन बीमारी के लिए सिक लीव कैसे लिखेंगे, कहाँ परिवर्तन करना है ध्यान दीजिए, टू द प्रिंसिपल डी ए बी इंटर कॉलेज, आप यहाँ डी ए बी इंटर कॉलेज नहीं लिखेंगे, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, लखनऊ जिस शहर में आपका विद्यालय है, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर रायबरेली अहमदाबाद गुजरात जहाँ पर है जिस वहाँ लिखेंगे, सर आई वेक टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली, योर ओबेडेंटली संजय गुप्ता, संजय गुप्ता नहीं लिखेंगे, क्लास 6 लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, डेट जिस दिन आप परीक्षा देंगे उस दिन का डेट डालेंगे, बाकी ठीक। आई बेक टू से का अर्थ होता है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता, कृपया मुझे लीव फॉर टुडे वाली केवल आज एक दिन का मतलब आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो जिस दिन का आया है पेपर में उस दिन से लिख देंगे। अगला है
निम्नलिखित के विलोम अपोजिट, देखिए मैंने लिख दिया अपोजिट, विलोम आया है। और कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा होता है, हार्ट माने गर्म होता है, ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट माने बेईमान होता है, हैप्पी का होता है सैड, हैं अक्राई माने चिल्लाना होता है, तो शांत लिख देंगे, साइलेंस लिख देंगे, हैप्पी नहीं लिखेंगे, साइलेंस लिख देंगे, यस आई एल ई एन सी ई, साइलेंस माने शांति। और गो का होता है कम, गो माने जाना, कम माने जाना, ये इसका विलोम हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।